दोस्तों चाइना ने इस दुनिया का सबसे बड़ा विंड टर्बाइन स्टार्ट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। 36,000 घरों को एक साल तक इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। ये 16 मेगा वॉट का विंड टर्बाइन है। ये मैं नहीं कहता कि ये सबसे ज़्यादा मेगा वॉट का विंड टर्बाइन है, लेकिन ये सबसे बड़ा है जो कि फुजियान प्रोविंस के अंदर शुरू कर दिया गया है। इसकी हाइट करीबन 70 मंजिला बिल्डिंग जितनी है, और इसी के साथ साथ इसके जो रोटेटर ब्लेड है उनका डायामीटर 2 फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा है। तो मतलब उसी से अंदाजा लग सकता है कि ये कितना ज्यादा बड़ा है। मतलब हल्का सा हवा का झोंका आएगा, ये एक दो चक्कर मारेगा और काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेगा। दोस्तों आपको याद होगा जब LG ने अपना रोलेबल टीवी लॉन्च किया था तो उसकी कीमत कितनी थी, मतलब 70-75 लाख रुपए के करीब में उसकी कीमत रही थी। और हम कितने वाले, हम भैया 30-35-50 मतलब इतने हजार तक का टीवी लेने वाले, और वो कितना महंगा लग रहा था हमको। लेकिन सैमसंग ने इंट्रोड्यूस कर दिया है अब 1,15,00,000 रुपए का 110 इंच का एक टीवी। ये आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव टीवी में से एक होगा, लग्जूरियस टीवी है। इसके अंदर माइक्रो LED टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। इसमें करीबन 24.8 मिलियंस माइक्रोमीटर साइज अल्ट्रा स्मॉल LEDs लगाई गई हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। जिसके अंदर और भी कई फीचर होंगे, लेकिन मेन बात यही है कि भैया 1,15,00,000 रुपए का टीवी है। और इसी के साथ साथ ये तो खैर 110 इंच का है, लेकिन इन्होंने एक और टीवी लॉन्च किया जो कि वॉल टीवी के नाम से जाना जाता है, जो कि 292 इंच के डिस्प्ले के साथ में आएगा। पूरी की पूरी इतनी बड़ी अगर आपके पास में दीवार होगी तो उस पर लग जाएगा, लेकिन इसकी कीमत थोड़ी सी कम है, 88,00,000 रुपये। कमी है उसके मुकाबले। दोस्तों शायद कभी ना कभी मीशो से आपने कभी शॉपिंग करी होगी किसी प्रोडक्ट की, हालांकि मैंने तो अभी तक नहीं करी है। लेकिन कई लोगों के साथ में क्या हुआ कि उनको काउंटरफिटेड प्रोडक्ट मिले, मतलब नकली प्रोडक्ट मिले, वो सही नहीं थे, जिस तरीके से दिखाया जा रहा था उस तरीके के प्रोडक्ट नहीं थे। किसी और वेबसाइट से लेते थे तो सही मिल रहे थे, लेकिन इनकी वेबसाइट से शायद कुछ कमी निकल रही थी, जिसकी वजह से इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट चालू किया था जिसका नाम रखा इन्होंने प्रोजेक्ट सुरक्षा। ये आप सभी की सुरक्षा के लिए कि भैया ये जो भी नकली प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनकी छटाई की जाए, तो उन सभी को इन्होंने 6 महीने के अंदर छाट के निकाला है। करीबन 52,00,000 ऐसे काउंटरफिटेड प्रोडक्ट निकले हैं इनकी वेबसाइट से, जिनको इन्होंने हटा दिया है कि भैया ये अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए हमें ऐसा करना पड़ा कि इस तरीके की चीज़ें हमारी वेबसाइट पर ना बिकें, और जो भी चीज़ें बिकें वो जेन्युइन हो, सही हो और कस्टमर खुश रहे उनसे। उसके लिए इन्होंने 52,00,000 प्रोडक्ट्स को निकाल डाला है कि भाई ये ना चलेगा। दोस्तों UK की रॉयल मेल सर्विस ने, जो कि कुरियर वगैरह की सर्विस होती है, चिट्ठी वगैरह पहुंचाती है, सामान वगैरह भी पहुंचा देती है, तो इन्होंने अब अपनी ड्रोन डिलीवरी सर्विस भी स्टार्ट कर दी है, जो कि कार्बन इमिशन को कम करने के लिए इन्होंने स्टार्ट की है। ये कुछ ही इलाकों के अंदर की गई है जो कि खुले खुले इलाके हैं जहाँ पर ड्रोन इधर से उधर आराम से पहुँच सकता है, मतलब रिमोट एरिया है वो, तो मतलब एक पहाड़ी के पीछे मकान है, दूसरा वहाँ पे है, तो इस तरीके की जगहों पर जहाँ पर किसी को भेजना सही ना हो के ड्रोन को भेजना सही है, तो उस तरीके की जगहों पे इन्होंने ये सर्विस शुरू कर दी है। तो इसमें करीबन 6 किलो तक का पैकेज भेजा जा सकता है। दोस्तों ये जो पंजानुमा शेप आप देख रहे हो, इसको दरअसल एलियन मेटल कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी धरती की है ही नहीं, ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑब्जेक्ट है जो कि स्पेस से आया है, और कब आया किसी को मालूम नहीं है, लेकिन अंदाज़ा ऐसा लगाया जाता है कि ये करीबन 6,000 साल पुराना होगा, मतलब उस टाइम पर ये गिरा होगा धरती पर, जो कि वेस्ट यूरोप से मिला है हमको। इसके अंदर आयरन, निकल, एल्यूमिनियम एलॉय, मतलब इस तरीके के मटीरियलों का मिक्सचर मिला हुआ है। ये मेटेराइट कहा जा सकता है क्योंकि ये बाहर स्पेस से आया और उसके बाद में सीधा ही हमारी धरती पर आया है, और कुछ इसकी शेप ऐसी है जैसे कि कुछ मतलब किसी पक्षी का पंजा हो, या फिर कुछ और शेप हो, या फिर पेंगुइन टाइप के भी पंजे किसी तरीके के होते हैं, तो ये उस तरीके की शेप लग रही है, लेकिन ये बाहर से आके ऐसा बना है। दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की उम्र सिर्फ 7 साल और रहती है, क्योंकि 2030 में इसको पूरी तरीके से शट डाउन कर दिया जाएगा, और नासा इसी वजह से अपने लिए पहले से ही तैयारी कर रहा है कि कोई वो स्पेस स्टेशन बना ले, ताकि वो ऐसा ना हो कि भाई चाइना उधर स्पेस स्टेशन घुमा रहा है अपना और इनके पास में कुछ है ही नहीं, तो ये भी पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी कंपनीज भी लगी हुई है कि वो कुछ स्पेस स्टेशन बना दे जिसको वो नासा को बेच पाए, या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी को बेच पाए, या फिर किसी और स्पेस एजेंसी को बेच दे। ये स्टार लैब है जो कि एक स्पेस स्टेशन ही है, इसको एयरबस और वॉयजर स्पेस दोनों मिलकर बना रहे हैं, और वो इसीलिए बना रहे हैं कि या तो नासा को चेप देंगे, या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी को, या फिर जापानीज स्पेस एजेंसी को, या फिर किसी ना किसी को तो बेच ही देंगे, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो दुनिया भर के एस्ट्रोनॉट भेजे जा सकते हैं अगर वो मतलब पार्टनर हैं इसमें। शायद रशिया भेजता है, जापान भेजता है, US भेजता है, बाकी दूसरी यूरोपियन कंट्री भी भेजती है अपने एस्ट्रोनॉट, वो होता है मतलब एग्रीमेंट साइन कि भैया किसको कब भेजना है।
क्योंकि चाइना को देखने के बाद में कई सारे देश सोच रहे हैं कि वो अपना स्पेस स्टेशन भी बनाए, जैसे कि रशिया। दोस्तों ट्रेन में तो अक्सर ये हो जाता है कि आप किसी ना किसी से सीट मांग रहे होते हो कि भाई मैं अपनी फैमिली के साथ में बैठना चाहता हूं, तो आप उस सीट पे चले जाओ, मुझे इधर बैठने दो। तो ये तो होता ही है, प्लेन के अंदर भी ऐसा हो जाता है। तो एक महिला ने मना कर दिया कि अपनी 1A क्लास की सीट किसी को नहीं देगी, क्योंकि वहां पे कह रहे थे कि भैया हमारा बच्चा भी इसमें बैठ जाएगा, साथ में हम पूरी फैमिली बैठ जाएंगे। तो उन्होंने कहा भैया मैं नहीं देने वाली अपनी सीट, मैंने बहुत पहले से बुक कर रखी है, तो आपको अगर अपने बच्चे के साथ में बैठना था तो पहले सीट बुक करते। ऐसा थोड़ी ना कि आप किसी से भी मांग लोगे, क्योंकि मैंने ज़्यादा पे किया इसके लिए, तो मैं क्यों शेयर करूँ अपनी सीट, मैं क्यों दूँ किसी को। तो इस वजह से इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब कई सारे लोग शायद इसकी बुराई करेंगे कि भाई कितनी खड़ूस औरत है, नहीं, इनकी एक्चुअली में तारीफ की जा रही है कि आपने बिल्कुल सही किया, क्योंकि अगर उनको अपने बच्चे के साथ में जाना था तो पहले ही तीनों सीटें एक साथ बुक कराई जाती, और वैसे भी वो बच्चा 13 साल का था। दोस्तों आजकल शादी पार्टियों में नए नए रीति रिवाज लोग लेके आते रहते हैं, और ये वेस्टर्न कल्चर वाले ज़्यादा करते हैं कि भैया हमें कुछ नया कुछ करना है। तो इस महिला ने अपने बेस्ट मैन के साथ में, शायद ये दोनों भाई बहन थे, तो उसके साथ में कुछ इस तरीके से कर दिया, मतलब WWE के किसी रेसलर का मूव कर दिया। और आप बताओ कि ये कौन से रेसलर का मूव है, हालांकि मुझे तो पता ही है।